नमस्कार, आज हम जानेंगे कि पपीते की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं और पपीते की नर्सरी तैयार करने से पहले क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है और हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने मिट्टी लिया है और वर्मी कंपोस्ट जिसे केचुआ खाद कहते हैं। और यहाँ पर आपको सामने ये ट्रे दिखाई दे रहा है। ये ट्रे लेने से अच्छा होता है कि जब हमारा पौध तैयार हो जाता है तो इसमें से पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पौधा निकलता है और प्लांटेशन करने में सुविधा होती है। और इस तरह हम खुली मिट्टी में करते हैं तो पौधे में ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये सामने जो आप मिट्टी देख रहे हैं और ये जो वर्मी कंपोस्ट देख रहे हैं, इसको 50% 50% मतलब आधा आधा भाग में कर लेना है और दोनों का मिक्स बनाना है। मिक्स बनाने के बाद और पूरी तरीके से इस गड्ढे में फिलअप कर लेना है। गड्ढे में फिलअप करने के बाद आपको इसमें पूरी तरह से पेंसिल की मदद से बिजाई कर लेनी है। बिजाई करने के बाद आपको और बीचों बीच होल करना है। होल करने के बाद उसमें बिजाई कर देनी है और उसके बाद आपको एक जूट की बोरी भिगोकर उस पर ढकाई कर देनी है ताकि नमी बने रहे और जर्मिनेशन पूरी तरीके से अच्छी हो। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ मौर्य और आप देख रहे हैं फार्मिंग विथ मौर्य यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से एक पेन की मदद से यहाँ पर बीचों बीच होल बनाया जा रहा है और इसमें ही पपीते का बीज होल लगभग आधी इंच से कम ही होना चाहिए, नहीं तो इसका बीज काफ़ी नीचे हो जाएगा। इस प्रकार से होल करने के बाद इसमें पपीते की बिजाई कर दें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने पपीते का बीज जो लिया है ये रेड लेडी ताइवान 786 है। आपको और एक बात का ख्याल करना है कि जब भी आप पपीते का नर्सरी तैयार करें तो आप इसे 24 से 36 घंटे इसे पानी में भिगो दें, क्योंकि इस पे का जो सीड का कवर होता है ये काफ़ी कड़ा होता है, इसलिए इसे जर्मिनेशन होने में लगभग 10 से 15 दिन 20 दिन भी कभी कुछ समय मौसम में लग जाता है। वो मौसम के अनुसार होता है। तो आपको अगर आप इसे भिगाई करते हैं और भिगाई करने के बाद बिजाई करते हैं तो इसमें जर्मिनेशन में काफ़ी समय कम लगता है। यहाँ पर ये आपके पपीते के बीज देख रहे हैं, ये ताइवान रेड लेडी 786 है जो कि 3850 रुपये प्रति 10 ग्राम का है। इस तरह बिजाई करने के बाद हजारे की मदद से सिंचाई कर दें ताकि नमी बनी रहे और नमी जब आपकी बिजाई हो जाए, जैसे कि आप वीडियो में यहाँ पर देख रहे हैं कि हम बिजाई कर रहे हैं। बिजाई करने के बाद ऊपर से फिर यहाँ पर मिट्टी की मदद से यहाँ पर इस तरह के मिट्टी से कर दें और मिट्टी रखने के बाद फिर जारे से सिंचाई करने के पश्चात, जैसा कि आप इस टटपट्टी से इस तरह पूरी तरीके से ढकाई कर दें ताकि नमी बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें। धन्यवाद।